दोस्तों, आप अगर ऐसी साइकिल चाहते हैं जिसका मेंटेनेंस ना के बराबर हो, जो काफी सालों तक चले और आपके सभी कामों के लिए यूज हो, तो ऐसी साइकिल होती है रोडस्टर। रोडस्टर साइकिल में आपको काफी वैरायटी और कंपनी में मिल जाती है, पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे हीरो 22 इंच साइकिल के बारे में। दोस्तों, रेंजर साइकिल, सिंगल स्पीड साइकिल और गियर साइकिल आने से पहले सिर्फ और सिर्फ रोडस्टर साइकिल मिला करती थी, और जिन्होंने इसे यूज किया है उन्हें पता होगा ये कितनी स्ट्रांग हुआ करती थी। और इस बात से आप भी अगर एग्री करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हीरोजेट में आपको 22 इंच और 24 इंच फ्रेम साइज मिल जाती है, और साथ में इसमें आपको ब्लैक और ग्रीन कलर भी मिल जाते हैं। स्टील फ्रेम है जो आप देख सकते हैं, काफी स्ट्रांग है, और फ्रेम के डिजाइन में कुछ अलग नहीं किया गया है। जिस तरह से कुछ साल पहले मिला करती थी उसी तरह की फ्रेम डिजाइन है। बात करते हैं व्हील की, तो इनमें आपको स्टील रिम मिल जाती है जिसमें फ्रंट व्हील में 32 स्पोक और रियर व्हील में 40 स्पोक होते हैं, और ये स्पोक 13 गेज में आते हैं। इस साइकिल में आपको 7 प्लेमे टायर मिल जाते हैं और ये थोड़े से पतले होते हैं। आप अगर चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं, 12 प्लाय, 16 प्लाय या 20 प्लाय बिठा सकते हैं। जहाँ पर आप साइकिल यूज करने वाले हैं वहाँ रोड अगर खराब है या फिर ज्यादा सामान के लिए साइकिल यूज करना चाहते हैं तो फ्रंट और रियर व्हील में आप टायर चेंज कर सकते हैं। इन साइकिल को इस तरह बनाया गया है कि वो किसी भी रोड पर या किसी भी मौसम में अच्छी तरीके से चलाया जा सके। हीरो 22 इंच में आने वाले ब्रेक सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको रोड ब्रेक मिल जाते हैं, ये है फ्रंट ब्रेक और ये है रियर ब्रेक। इन ब्रेक्स को रिपेयर करना काफी आसान होता है, इन्हें आप किसी भी साइकिल शॉप में रिपेयर कर सकते हैं और इनके पार्ट्स आसानी से आपको अवेलेबल हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये ब्रेक ज्यादा खराब नहीं होते और इसलिए मेंटेनेंस का टेंशन बहुत कम होता है। हीरो 22 इंच में आपको स्टील मडगार्ड मिल जाते हैं जो कि फ्रेम कलर के साथ मैच होते हैं, और रियर मडगार्ड पर रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। स्टील फोर्क और स्टील हैंडल है, साथ ही 44 टीथ में क्रैंकसेट है और पैडल है जिस पर रिफ्लेक्टर देख सकते हैं। इस साइकिल में आप अपनी चॉइस के हिसाब से कौन कौन सी एक्सेसरीज बिठा सकते हैं इस पर बात करते हैं। ये सीट है जो आप काफी सालों से देख रहे हैं और यूज कर रहे हैं। इसकी खास बात यह है इसे रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि इसके पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और ये एक सीट है जो बैठने में कंफर्टेबल होता है पर रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है। चेन कवर 3 डिजाइन में मिल जाते हैं। सबसे पहले तो ये जो आपको ज्यादातर साइकिल में मिल जाते हैं, सेकंड चेन कवर ये है जो आपको न्यू डिजाइन में मिल जाते हैं, और थर्ड है फुल चेन कवर। ये चेन कवर चेन को पूरा कवर कर देते हैं जिससे चेन पर लगा ऑयल आपके कपड़ों पर नहीं लग सकता। कैरियर आपको 3 वैरायटी में मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है प्लेन कैरियर, सेकंड है डबल रॉड में जो काफी स्ट्रांग होता है, और थर्ड कैरियर है ब्लैक और वो भी काफी स्ट्रांग होता है, तो आप अपनी चॉइस से कैरियर बिठा सकते हैं। साइड स्टैंड आपको मीडियम और हेवी क्वालिटी में मिल जाता है, तो आप हेवी क्वालिटी का स्टैंड ही साइकिल में बिठाया करें। एक और स्टैंड आता है डबल स्टैंड, पर ये स्टैंड काफी कम लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये है बम्पर जो कि फोर्क को सुरक्षित रखता है। अगर साइकिल अचानक से गड्ढे में जाती है तो फोर्क डैमेज होने का खतरा होता है। अब बात करते हैं बेल और लॉक की, तो इसमें आपको अलग अलग कंपनी और क्वालिटी के बेल और लॉक मिल जाते हैं, तो आप अगर एक स्ट्रॉन्ग, लो मेंटेनेंस और घर कामों के लिए साइकिल परचेस करना चाहते हैं तो हीरोजेट ले सकते हैं। बाकी आप 22 इंच और 24 इंच फ्रेम साइज चॉइस कर सकते हैं। इस साइकिल की प्राइस भी कम होती है, लगभग 6000 के आसपास होती है, तो कम प्राइस और अच्छी क्वालिटी में एक बेस्ट साइकिल है, तो इसे बेस्ट साइकिल इन इंडिया कहना गलत नहीं होगा। रोडस्टर साइकिल पर मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसका नाम है हरकुलस 24 इंच, और इस साइकिल के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। साइकिल रिव्यू, साइकिल मेंटेनेंस, ऐसी और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। ख्याल रखना अपना और अपनों का। थैंक यू दोस्तों।